हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस प्रकार से आप रेडमी नोट 7 के मोबाइल में नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी ऐप के जो नोटिफिकेशंस यहाँ पे आता रहता है, देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो नोटिफिकेशन अभी भी आया हुआ है काफ़ी ऐप से रिलेटेड, देखेंगे फ्रेंड्स। तो जो ये नोटिफिकेशन जो आता है इसको आप किस प्रकार से बंद कर सकते हैं, ऐप की नोटिफिकेशन की जरूरत आपको नहीं है तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग पर जाना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको जाना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशंस लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आप लॉक स्क्रीन पे बंद करना चाहते हैं या फ्लोटिंग नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं या नोटिफिकेशन बैटर्स पे करना चाहते हैं, स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद जो भी लॉक स्क्रीन का जो नोटिफिकेशन है आप उसको बंद कर सकते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स मैं सबको अलाउ कर रखी हूँ, इतना बंद कर रखी हूँ जिसका जरूरत नहीं है मुझे, और जिसके नोटिफिकेशन मुझे जरूरत है उसका अलाउ कर रखी हूँ। इसको जाएंगे, फिर चाहे आप इसका बंद करना चाहें तो उसको भी क्लिक करके यहाँ से आप उनका नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से, इस पर भी इसका आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन बैटर्स का बंद करना है तो यहाँ से भी आप उसका नोटिफिकेशन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। सभी ऐप का नोटिफिकेशन आपको बंद करना है यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे देखेंगे आप ये सभी ऐप्स आपको दिख जाते हैं जिस भी ऐप का आप नोटिफिकेशन बंद करना है। देखेंगे फ्रेंड्स ये डिसेबल हो चुका है, जो भी इसका अमेज़न की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा वो मेरे पास नहीं आएगा। आपके स्क्रीन इनेबल डिसेबल करके नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं, जिस भी आपका ये डिसेबल हो गया यहाँ से इनेबल भी कर सकते हैं इसी को आप। देखेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो गया, इस तरीके से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।